हेलो एवरीवन, आज ताइवान का नेशनल डे है तो सोचा एक वीडियो बना लिया जाए ताइवान के सपोर्ट में, क्योंकि जिस तरह से चाइना इंडिया के खिलाफ बॉर्डर पे एग्रेशन दिखा रहा है और उसके साथ हमारे सारे पड़ोसी को हमारे खिलाफ भड़का रहा है पैसे के दम पे, तो इंडिया को भी उसी के भाषा में जवाब देना अब कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है। चाइना को सबसे ज़्यादा मिर्ची तब लगती है जब कोई देश ताइवान, हांगकांग और तिब्बत के सपोर्ट में कुछ बोले या फिर कुछ करे, उसमें से भी ताइवान को लेके चाइना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, क्योंकि ताइवान खुल के चीन को युद्ध की धमकी देता है। कल ही भारत ने चाइना को क्लियर मैसेज दे दिया कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं। हुआ ये कि बीजेपी एमपी तेजिंदर पाल सिंह बग्घा ने चाइनीज एम्बेसी के बाहर पोस्टर लगा दिया ताइवान के नेशनल डे सेलिब्रेशन को लेके। एक्चुअली चाइनीज एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी किया था इंडियन मीडिया को लेके और यह कहा था कि इंडियन मीडिया चाइना के वन चाइना पॉलिसी को रिस्पेक्ट और ताइवान के नेशनल डे सेलिब्रेशन को कवर ना करे। उसके बाद ही बीजेपी एमपी ने यह पोस्टर लगा के साफ संकेत दे दिया कि चाइना अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि भारत चाइना के किसी भी गिदड़ भभकी से अब डरने वाला नहीं है। चाइना ने एडवाइजरी में लिखा था, एक्चुअली मैं इसे लिखा नहीं कहूँगा क्योंकि यह एक ऑर्डर की तरह था जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन मीडिया ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मत कहे और ना ही ताइवान के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कह के बुलाए, क्योंकि ताइवान यूएन रिजोल्यूशन के हिसाब से चाइना का एक पार्ट है। उसके जवाब में इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने यह कहा कि इंडियन मीडिया फ्री एंड इंडिपेंडेंट है कुछ भी लिखने और बोलने को लेके। वहीं चाइना के इस धमकी को लेके ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जमकर चीन को लताड़ा और कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और साथ में यहाँ एक वाइब्रेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रेस है। उसने यह भी कहा कि चीन के ऐसे बयान से यह लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अब सेंसरशिप लगा के अपने सब कॉन्टिनेंट में भी मार्च करना चाहता है। इसको लेके हमारे इंडियन फ्रेंड्स का एक ही रिप्लाई होगा चीन के लिए और वो होगा गेट लॉस्ट। वहीं ताइवान के प्रेसिडेंट ने पूरे दुनिया को धन्यवाद दिया अपने नेशनल डे के दिन। ताइवान चाइना को लेके आने वाले टाइम पे डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।